गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू येस्टरडे जो शनिवार को क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं और दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे कौन कौन से फॉर्मूले हैं नाव वो the two formulas are again repeated first formula is r equal to rho l upon a and the second formula is p equal to vi or v square by r or i square by r now we will discuss the next the implementation of this formula यर एन एग्जाम्पल द रजिस्टिविटी ऑफ द नाइक्रोम एंड कॉपर इज हंड्रेड इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स एंड वन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स ओम सेंटीमीटर हेयर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने रजिस्टिविटी लिए नाइक्रोम और कॉपर यानी हम दो तरह के मटेरियल काम में ले रहे हैं बनाने के लिए एक नाइक्रोम और दूसरा कॉपर इफ ए हंड्रेड मीटर लेंथ वायर ऑफ पॉइंट वन सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूज कंस्ट्रक्ट द रजिस्टर दी वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस यानी रजिस्टिविटी यानी दो हमने मेटेरियल ले लिए और उसकी लेंथ जो है वो हमने रखी है हंड्रेड मीटर और वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रखा है पॉइंट वन सेंटीमीटर स्क्वायर और हमको निकालना है रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे लेंथ जो है वो मीटर में है और बाकी सब जो यूनिट दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है तो हमारा दिमाग में यही टारगेट रहना चाहिए कि सबसे पहले हम इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलें या फिर दो दूसरे जो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं उनको हम मीटर में बदलें फार्मूला हमारे पास है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए लेंथ हमारे पास हंड्रेड मीटर है हंड्रेड मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया एल हंड्रेड मीटर देन इज कन्वर्टेड इन टू देंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज पॉइंट वन सेंटीमीटर स्क्वायर अब सभी यूनिट बराबर आ चुकी है जब सभी यूनिट बराबर आ चुकी है तो अब हमारे पास सीधा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है आर इक्वल टू रो एल अपॉन है सबसे पहले रजिस्टिविटी जो नाइक्रोम की लेते हैं हम इसलिए आर नाइक्रोम लिखा है हंड्रेड इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड अपॉन पॉइंट वन वैल्यू पुट की आंसर आ गया हमारे पास टेन ओम यानी इन सभी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर हम नाइक्रोम का रजिस्टेंस बनाते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी टेन ओम फिर हम बात करते हैं कॉपर की कॉपर की रेजिस्टिविटी सामने दी गई है वन पॉइंट सेवन इंटू टेन बार माइनस सिक्स वैल्यू पुट की तो आंसर आ गया हमारे पास पॉइंट वन सेवन ओम यानी उसी लेंथ का उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का अगर हम अलग मेटेरियल का रेजिस्टेंस बनाते हैं तो वैल्यू अलग आती है ये इससे ये प्रूव होता है कि रजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रपोशनल टू दी रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस आर इक्वल टू रोएल अपॉन ए अगला एग्जांपल देखते हैं अपन जो कि कहता है डिटरमाइन दी पावर डेसिपेट इन दी तो पहला फॉर्मूला था आर इक्वल टू रोयल अपॉन ए उससे हमने एक एग्जांपल किया नाव दिपेंड अपॉन दी सेकेंड फार्मूला विच इज आर पी इक्वल टू वी आई पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर डिटरमाइन दावर डेसिपेटेड इन द नाइक्रोम एंड कॉपर वायर रजिस्टर विद एग्जाम्पल वन एंड इफ दी कैरी करंट इज वन एम्पियर करंट यानी सब कुछ ऊपर जो दिया हुआ है नाइक्रोम का वही है लेकिन इसमें बता दिया कि करंट जो है वो कितनी आएगी वन एम्पियर तो पावर डेसिपेट निकालनी है तो नाइक्रोम रेजिस्टेंस में पावर डेसिपेट पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर सिंपल क्योंकि यहाँ आई दे रखा है और आर हमने फाइंड आउट कर लिया है यही फॉर्मूला हमारे पास काम आएगा तो यहाँ हम देख सकते हैं आई स्क्वायर आर तो आई स्क्वायर यानी वन स्क्वायर आर की वैल्यू टेन ओम थी तो हमारे पास पावर डेसिपेट इन नाइक्रोम रेजिस्टेंस कितना आ गया टेन वॉट अब पावर डेसिपेट इन कॉपर रेजिस्टर वैल्यू कितनी आई थी कॉपर की वन पॉइंट पॉइंट वन सेवन पॉइंट वन सेवन इंटू वन स्क्वायर यानी पॉइंट वन सेवन वॉट यहाँ हम देख सकते हैं कि यह सिंपल फार्मूला सिंपल आंसर और हमको पूरे छह नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो हम अटेंड कर सकते हैं और छ में से छ यानी सिक्स आउट ऑफ सिक्स मार्क्स वी कैन गेट विद द सिंपल एग्जांपल, विद द सिंपल फॉर्मूला एक्सेट्रा थर्ड एग्जांपल इस डि डिटरमाइन दी फिलामेंट रजिस्टेंस ऑफ ए टस्टन बल्ब ऑफ सिक्सटी वाट ऑपरेटिंग एट टू ट्वेंटी वोल्ट यहाँ हमारे पास पावर दे रखी है सिक्सटी वॉट और वोल्टेज दे रखा है तो अब हम सबसे पहले हमको ये देखना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों आ जाए तो हमने अभी फड़े थे फॉर्मूले इसके अंदर पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला हमारे पास है आर हमको फाइंड आउट करना है तो सिंपल वी स्क्वायर बाई पी वी स्क्वायर यानी टू ट्वेंटी वोल्ट का स्क्वायर पी हमारे पास दे रखा है सिक्सटी वॉट तो आंसर आ गया एट जीरो सेवन ओम वेरी इजी वेरी सिंपल बट स्टूडेंट मैं कई बार कॉपी चेक करता हूँ तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट जो है वो न्यूमेरिकल देख के ही थ्योरी करने की कोश, कोशिश करते हैं न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना इजी आंसर था ऐसा ऐसा अगला एग्जांपल देखें आप कैलकुलेट द करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक प्रेस ऑफ फोर फिफ्टी वाट यानी हमको करंट कैलकुलेट करनी है यानी आई कैलकुलेट करना है पावर दे रखी है चार सौ पचास वॉट और मेन सप्लाई वोल्टेज जो है दो सौ बीस वोल्ट यानी हमको आई बनाना है आई निकालना है और वोल्टेज और पावर दे रखी है तो अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर पावर पी वोल्टेज वी और करंट आई हो तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है पी इक्वल टू वी आई यहाँ देखिए सिंपल पी इक्वल टू वी आई और पी इक्वल टू वी आई के बाद में आई निकालना है तो पी अपॉन वी चार सौ पचास अपॉन दो सौ बीस यानी टू पॉइंट जीरो फोर फाइव एम्पियर वेरी ईजी क्वेश्चन नाउ नाओ देंड नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रजिस्टर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रजिस्टर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टेंस रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज एक्सप्रेस्ड इन ओम रेजिस्टेंस वैल्यू इन थाउजेंड ऑफ ओम्स एक्सप्रेसड इन किलोम मीनिंग ये है कि कोई भी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम शो करेंगे ओम के अंदर किलो ओम के अंदर और मेगा ओम के अंदर और ये जो वैल्यूज डिसाइड होती है ये रूम टेम्परेचर पे डिसाइड होती है यानी हम मान के चलते हैं कि जो स्पेसिफिक जनरली रूम टेम्परेचर जो है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स रजिस्टर का टॉलरेंस यानी सहनशीलता टॉलरेंस का मतलब होता है कि एक रजिस्टर जो है अपनी वैल्यू से कितना प्लस माइनस चेंज हो सकता है कि जब तक हम उस रेजिस्टेंस को प्रयोग कर सकें इट मींस द टॉलरेंस एंड एक्यूरेसी हैव द सेम मीनिंग एक्यूरेसी इज द टॉलरेंस टू विच द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज मेड यानी वो रजिस्टेंस हमने किस एक्यूरेसी से बनाया है वो कहलाता है उसका टॉलरेंस जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं टॉलरेंस जो है प्लस और माइनस में शो की जाती है यहाँ पर किसी भी रेजिस्टेंस का जो मैक्सिमम डेविएशन है वो कितना हो सकता है वो कहलाता है उसका टॉलरेंस जैसे कि एक हज़ार ओम का रजिस्टर है हमारे पास जिसकी टॉलरेंस जो है वो प्लस माइनस दस परसेंट ये टॉलरेंस जो है हम हमेशा प्लस माइनस और परसेंटेज में शो करते हैं यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लस माइनस टेन परसेंट टॉलरेंस अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं एक हज़ार का दस परसेंट कितना होता है सौ यानी इसकी वैल्यू एक हज़ार प्लस सौ या एक हज़ार माइनस सौ इसके बीच में कुछ भी हो सकती है तो वो रजिस्टर जो है वो सही रजिस्टर कहलाएगा जैसे कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई नौ सौ और एक ग्यारह सौ नाइन हंड्रेड टू इलेवन हंड्रेड तक इसकी वैल्यू हो सकती है the registers are available with tolerance such as a 20% 10% and 5% and all are in the plus and minus जो है hai 1% और 0.1% bhi tolerance भी hai होती है लेकिन जनरल जो है हमारे पास कितने होते हैं पांच परसेंट दस परसेंट और बीस परसेंट और ये जो है वो रजिस्टर की फोर्थ कलर कोडिंग से हम इसको स्पेसिफाई करेंगे यानी द टॉलरेंस इज इन इंडिकेटेड बाय मीन ऑफ फोर्थ कलर बैंड ऑन दी रजिस्टर अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे स्टेबिलिटी और बहुत सारी इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स